बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई लर्निंग पोर्टल की जानिब से खुश आमदीद। हम पार्ट सिक्स में हैं और पार्ट सिक्स को मूव करने से पहले हम पार्ट फाइव का रिकैप देखेंगे। पार्ट फाइव में हमने देखा था हाउ टू बाइंड अ लिस्ट व्यू यूजिंग कंट्रोल डाटा टेबल। तो पार्ट सिक्स में हम देखेंगे हाउ टू डिफाइन शॉर्ट कीज इन WPF। तो मूव करते हैं अपने व्यू स्टूडियो की तरफ। ओपन करते हैं व्यू स्टूडियो को। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे WPF एप्लीकेशन और इसको मैं नाम दूंगा शॉर्ट कीज डेमो। ये हमारी विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है। अब शॉर्ट कीज़ को डिफ़ाइन करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जिनमें से दो तरीके मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहला जो तरीका है और सबसे इजी जो तरीका है वो है की डाउन का इवेंट यूज़ करने का तरीका। हमारे पास काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। की डाउन का जो इवेंट है वो विंडोज़ फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल होता है और इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा की डाउन के इवेंट को। F4 का बटन प्रेस करने से आपके पास प्रॉपर्टीज़ की विंडो जो है वो ओपन होकर आ जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि अब ये जो प्रॉपर्टीज़ की विंडो ओपन हुई है ग्रिड की ओपन हुई है, ठीक है। मुझे कैसे पता चला, ये ऊपर जो टाइप है इसकी, यहाँ पर अगर आप देखें टाइप जो है वो ग्रिड लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो इसकी टाइप है वो ग्रिड शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि अभी मेरी विंडो सिलेक्टेड नहीं है। तो वापस मैंने इस टैग पे क्लिक किया और मैंने विंडो पे एक दफ़ा क्लिक किया और अब मैं देख रहा हूँ, इधर गया हूँ प्रॉपर्टीज़ में, तो आप देख सकते हैं कि विंडोज़ की डाउन का इवेंट मुझे मिल गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर कुछ भी लिखें और उसके ऊपर फिर डबल क्लिक करें तो वो आपको इवेंट जो है वो जनरेट कर देगा। तो मैंने इवेंट जो है वो डबल क्लिक करके जनरेट कर लिया की डाउन का इवेंट। अब की डाउन का इवेंट मैंने जनरेट कर लिया। अब इसके अंदर एक छोटा सा कोड है जिसके ज़रिए हम शॉर्ट की जो है वो आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, और वो ये है कि इफ़ ई डॉट की इक्वल इक्वल बेसिकली इज इक्वल टू की डॉट F1 से मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं F1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैसेज बॉक्स में मुझे शो करवा दो कि F1 प्रेस्ड। यहाँ पर इक्वल इक्वल होना है, ठीक है, क्योंकि ये कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको कॉपी करके दो तीन दफ़ा पेस्ट कर दूंगा ताकि मैं मज़ीद इस जैसी शॉर्ट की जो है वो मज़ीद डिफाइन कर सकूँ। मज़ीद मैं एस्केप की डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। और इसके अलावा मैं एक और की डिफ़ाइन कर देता हूँ से एस की, ठीक है। आप ये कीज़ डिफ़ाइन करके इनके बीच में कोई भी कोड जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। अब इसको हम रन करते हैं प्रोजेक्ट को, और जब इसको हमने रन किया तो मैंने एस्केप प्रेस किया, उसने कहा एस्केप प्रेस्ड। F1 प्रेस किया, उसने कहा F1 प्रेस्ड। और एस प्रेस किया तो उसने मुझे बताया कि एस इज़ प्रेस्ड। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करते हुए अपना कोई भी जो कोड है या मेथड है वो आप इन कीज़ के दरमियान पेस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट कीज़ को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो है शॉर्ट कीज़ डिफ़ाइन करने का वो है राउटेड कमांड के ज़रिए शॉर्ट की जो है वो जनरेट करना। राउटेड कमांड कैसे जनरेट कर करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक और अब यहाँ पे राउटेड कमांड और फिर इस राउटेड कमांड का नेम, ठीक है। मैंने दे दिया न्यू राउटेड कमांड इज इक्वल टू राउटेड कमांड और ये मेरे पास राउटेड कमांड जो है वो जनरेट हो गई। अब इस राउटेड कमांड के अंदर हमने क्या करना होगा कि हमने वो की डिफ़ाइन करनी होगी, शॉर्ट की जो है वो डिफ़ाइन करनी होगी, ठीक है। तो शॉर्ट की को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इस राउटेड कमांड का नेम
डॉट इनपुट जेस्टर्स, हम इनपुट जेस्टर उसे बताने लगे हैं कि क्या इनपुट जेस्टर तुम्हें मिले तो तुमने ये काम करना है, वो और वो काम जो हमने करना है वो हम आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इन ब्रैकेट्स के दरम्यान मैं उसे कीज़ बताऊँगा, डिफाइन करूँगा कि कौन सी की मुझे जो है वो चाहिए, मुझे चाहिए कंट्रोल एस की, मैं की जो है वो डिफाइन करने लगा हूँ यहाँ पे। तो मैं उसे बता रहा हूँ की डॉट एस और कॉमा दे के मैं उसे कह रहा हूँ मॉडिफायर कीज़ डॉट कंट्रोल। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पर जनरेट कर दिया है कंट्रोल एस का शॉर्ट की। और यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर इनपुट जेस्चर के बाद की जेस्चर यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो परफेक्टली ये अब हमारे पास जो शॉर्ट की है वो परफेक्टली जो है वो जनरेट हो गई है। अब इस शॉर्ट की के पीछे जो कमांड बाइंडिंग है या जो इसके पीछे फंक्शनैलिटी है वो अब हमने फंक्शनैलिटी जो है वो डिफाइन करनी है। तो फंक्शनैलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे कमांड बाइंडिंग्स यूज़ होगा, कमांड बाइंडिंग्स डॉट एड और न्यू कमांड बाइंडिंग और ब्रैकेट्स के दरम्यान में हम उसे सबसे पहले इस राउटेड कमांड देंगे कॉमा मेथड नेम। मेथड नेम इज़ द मेथड इन विच वी डिफाइन आवर फंक्शनैलिटी, जिसके अंदर हम अपनी जो फंक्शनैलिटी है वो डिफाइन करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने मेथड जनरेट करना है, मेथड जनरेट करने का बहुत आसान सा वे है, इसके ऊपर आप हावर करें मेथड के ऊपर तो वो आपको एक ऑप्शन देगा, ठीक है। उस ऑप्शन वो क्या होगी, वो यही ऑप्शन होगी कि इसका मेथड जनरेट कर दो। तो आपने उस ऑप्शन पे क्लिक किया और मेथड जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब इसके अंदर हम अपना मैसेज बॉक्स शो करवा देते हैं और क्या हम शो कर पाएंगे, यही कि कंट्रोल एस इज़ प्रेस। तो इस तरीके से आप जो है कम्बिनेशन वाली जो कीज़ हैं, मतलब कंट्रोल के साथ कम्बिनेशन हो गया, ऑल्ट के साथ कम्बिनेशन हो गया, इस तरह की जो कीज़ है वो भी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। तो अब मैंने इसको रन किया और मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो मुझे कह रहा है कि कंट्रोल एस इज़ प्रेस। तो आपने देखा कि हमने दो तरीक़ों से शॉर्ट कीज़ को जो है WPF में आसानी के साथ डिफाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अगले ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।